भी स्क्रिप्ट्स में दम है। तो हमारा थॉट ही ये होता है, जब मैं आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं स्क्रिप्ट जब किसी को भेजता हूँ, जैसे इस फिल्म में हमें पता था कि जमाक सेल्वा आएंगे, इवन एंड दिस इज अ फन ट्रू थिंग कि बिफोर विक्टर केम ऑन बोर्ड, बिफोर वी गॉट हिम, वी न्यू जमाक विल शूट द फिल्म, वी न्यू सिमो वुड स्कोर फॉर इट, वी न्यू द स्टंट टीम वुड बी सो एंड सो। सो द थॉट इज द विजन ऑफ द फिल्म ओवरऑल एंड देन गेटिंग द बेस्ट पॉसिबल पीपल टू इम्प्लीमेंट दैट विजन। एक्सेल एंटरटेनमेंट को मैं बहुत बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ क्योंकि उनकी फिल्म्स में एक एस्थेटिक होता है। हमारे देश में खूबसूरती को एस्थेटिक मानते हैं। बीइंग ब्यूटीफुल इज नॉट एन एस्थेटिक, एस्थेटिक इज एस्थेटिक। सो हमारी हर फिल्म में आपको एस्थेटिक दिखेगा एंड फर्स्ट रे फिल्म्स का यही ड्रीम है कि हम लोग ऐसे ही न्यू एज कॉन्सेप्ट स्टोरीज बोलते रहें। इस साल नाउ इट्स डॉन्ड ऑन मी कि आई ओ इट टू द इंडस्ट्री टू गिव इट बैक। सो आई एम गोइंग टू बी लॉन्चिंग अ न्यू गर्ल एंड अ न्यू बॉय एट द एंड ऑफ दिस ईयर विद अ न्यू फिल्म, सो दैट आर्टिस्ट हु डिजर्व टू बी देयर। मैं थेस्पो गया था, वहां मैंने एक दो नाटक देखे, मैंने भी थेस्पो किया है। मुझे लगा ये थिएटर के लोग जो एक्चुअल एक्टर्स हैं, जिनको 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 मेहनत करना और सफर करना आनंद देता है, उनको बिग स्क्रीन पे लाओ तो ऑडियंस को मजा आएगा। क्योंकि मुझे लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके लिए है और ऑडियंस के लिए है कि आप लोगों को मजा आए। एंड दैट्स दैट्स व्हाट द कंपनी यू नो वांट्स टू डू। सो दैट वाज सॉरी, ये सवाल ये जवाब हुआ नहीं अभी तक। या सो दैट वाज व्हाट फर्स्ट फिल्म्स इज ऑल अबाउट। I have been in this industry for almost now 17 years. I worked in Red Chillies, worked in NDTV, worked in Control Films, and I've been doing directing OTT, producing and directing OTT series for some time, quite some time. Yeah, actually, this film was not my the first film that I've shot. This is actually the second film that I've shot. But thanks to Anshuman and team and Platoon and everyone, they got this released first. And so I am very thankful that this is coming on the big screen, because that film is most probably going to a platform. So yeah, I'm very excited about this. Always wanted to make films. मेरे actually अगर मैं ये again fun fact, जैसे अंशुमन बोलता है कि अगर मैं अपने कैबिन में बैठूं ऑफिस में, मेरे I have my IMDb फिल्मोग्राफी रिटर्न जो मैं बनाऊंगा अगले 20 साल से। इट इज अ फैक्ट। सो ये बनाना है लाइफ में, फिल्म ही बनाना है, और कुछ नहीं आता मुझे, और कुछ नहीं आता था पहले, बट अभी कुछ नहीं आता, यही आता है, लिखना जानता हूँ, फिल्में बनाना जानता हूँ। झूठ बोल रहे हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट बोलिंग बहुत अच्छी करती है। गिटार भी बहुत अच्छा बजाते, गिटार भी बहुत अच्छा, इनका खाना तो बहुत अच्छा बनाते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते अंशुमन। बट यही दैट्स बीन माय जर्नी एंड आई लाइक टू मेक मोर फिल्म्स। यस इंशाल्लाह यही हो। वी हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस साइड। अंशुमन सिराज सैयद, आई डोंट नो वेदर द नेम रिंग्स अ बेल, फ्रॉम राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अरे हाउ आर यू सर, सो गुड टू सी यू। माय प्लेजर। आई एम सॉरी, आई हैव नॉट, आई बिलीव समबडी हैज रीच्ड आउट फ्रॉम देयर फॉर द फॉर लकड़बग्गा। आई एम सॉरी इफ आई हैव जस्ट बीन इन अ कैओटिक। नो इट्स ऑल राइट। या थैंक यू, इट्स फाइन। वन क्वेश्चन इन टू पार्ट्स। वन इज दैट यू ट्रेनड अब्रॉड and your trainer found your physique not the kind of physique that would be action heroes have. So how did you make up for that? Did he sort of make you build up muscles or give you a diet or give you a routine? So can I answer that? Sure, one sure. So the first part to that, sir, ki main actually bahut taakatwar hu, main patla dubla hu, lekin main मुझे बचपन में बस्टर डगलस बोला जाता था, मेरे अंकल मुझे बुलाते थे क्योंकि मैं मुक्का मारता था तो बहुत चोट लगती थी, अभी भी लगती है। तो हुआ ये कि जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की, माय कोर स्ट्रेंथ हैज ऑलवेज बीन बी रीजनेबली फाइन एंड मार्शल आर्ट्स इज ऑल अबाउट बैलेंस एंड कोर स्ट्रेंथ। इफ योर बैलेंस एंड कोर स्ट्रेंथ इज इन प्लेस, देखिए सर, कोई भी मार्शल आर्ट्स ना इज एट द एंड ऑफ द डे किक्स एंड पंचेस के बारे में है, ठीक है। मैंने बचपन में टैक्वांडो में ट्रेन किया है, लकीली तो मेरा बेस है एक मार्शल आर्ट्स का। साही जो है, उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि साइज इज इनकॉन्सिक्वेंशियल इन अ फाइट, आपका इंटेंट और आप अंदर क्या सोच रहे हो, इट्स ऑल अबाउट दैट, और एंड दैट काइंड ऑफ इम्प्लाइज ऑन एवरी एवरीथिंग इन लाइफ, फिल्में बनाना हुआ, खाना बनाना हुआ, कुछ भी। सो
उन्होंने मुझे बोला दैट टू लुक अ सर्टेन वे, लाइक आई सेड ब्रूस ली इज अ ह्यूज इंस्पिरेशन, विक्टर एंड मी डिसाइडेड दैट वी विल एम फॉर दैट फिजिक. तो एक बहुत ही पुराने दोस्त हैं मेरे जो अजय सर, शाहरुख सर को ट्रेन करते हैं, प्रशांत सावंत, उन्होंने मुझे 3 महीने की बहुत ही फोकस्ड डाइट पे रखा. मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है कि मैं वेट पुट ऑन नहीं करता, तो ऐसा होता था कि मैं बहुत स्वीट पोटैटो और चीज़ खाता था, ट्रेनिंग करता था और सो जाता था. और क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो यू नो द लिमिटेशन ऑफ प्रोटीन इज पनीर या टोफू. सो लिटरली, एंड इन सब ने मुझे देखा है कि मैं बहुत ढेर सारा टोफू एंड चीज एंड स्वीट पोटैटो खाओ, ट्रेनिंग करो, सो. रॉ, लाइक रॉ. आई कुड नेवर अंडरस्टैंड कि कोई कैसे खा सकता है रॉ स्वीट पोटैटो विद नो फ्लेवर एंड जस्ट अ क्यूब ऑफ चीज. टू कीप इट रॉ. मैं बहुत सिंपल रखता हूँ, बहुत खाया मैंने, सोता था. प्रशांत रोज मेरा वेट हर हफ्ते चेक करता था. और इस फिल्म के ट्रेनिंग के दौरान जिंदगी में पहली बार मैं 63 किलोज पे पहुंचा. मैं हमेशा 60-61 रहा हूँ. इस फिल्म में मैंने समहाउ 2.5 किलो पुट ऑन किए एंड सब उतर गया अभी. लेकिन हाँ, प्रशांत सावंत हैज टू बी गिवन क्रेडिट, विक्की अरोरा हैज टू बी गिवन क्रेडिट, साही समेश एट क्राव मागा एक्सपर्ट्स इन न्यूयॉर्क हैज टू बी गिवन क्रेडिट कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ सर. अगर मैं आपके पास कुछ सीखने आऊँगा ना, आई फुली सरेंडर. फिर मैं चुपचाप वही करता हूँ जो टीचर बोलता है. तो उसका ही रिजल्ट है जो ठीक ठाक थोड़ी बॉडी दिख रही है. पार्ट टू इज दैट यू हैव इंक्लूडेड एक्शन इन दिस फिल्म व्हिच इज वेरी रियलिस्टिक. यू सेड नॉट इवन डस्ट फ्लाइज फ्रॉम योर फीट व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस. सो इट्स वेरी रियलिस्टिक एंड इट्स नॉट 10 पीपल रोटेटिंग इन द एयर. नाउ व्हेन दैट इज द नॉर्म, और मे बी इवन मोर देन दैट इज द नॉर्म. Now, every film that we see recently, blockbusters, the more the action, the more the killing, the more the beheading, the more decapitating, the greater the impact. Right. So this is a very calculated risk that you have taken by including action which is very limited, very realistic. It's a two-sided coin. I don't think it's a risk. Because I love watching films like A Night in Paradise, Headshot, or the Bruce Lee films. क्या होता है ना सर, अगर मैं अभी यहाँ पे 10 लोगों को गाली दूँ तो वो सब आएंगे मारने के लिए. ठीक है, फिर वो स्टंट नहीं होता है, फिर स्ट्रीट फाइट होती है, मुक्काबाजी कि कौन किसको पहले गिराएगा. तो हमने ब्रीफ ही एक्शन डायरेक्टर को दिया था कि बहुत क्लियर थे कि कोई वायर वर्क नहीं चाहिए, कोई बॉडी डबल नहीं चाहिए. अभी अगर ऐसी लड़ाई होगी तो क्या होगा. तो इसीलिए क्राव मागा मार्शल आर्ट्स फॉर्म आया. So, मुझे लगता है अभी जो यहाँ ऑडियंस बैठी है, दे वॉच एंड कंज्यूम फिल्म्स विच हैव दिस काइंड ऑफ रॉ स्ट्रीट फाइट. एंड द सक्सेस ऑफ दीज फिल्म्स लाइक हेडशॉट और ऑंग बाक, इवन ऑंग बाक 1 and 2, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन ऑंग बाक? रेड रिडेम्पशन. आई एम सेइंग हम ऐसी फिल्में नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमने अगेन ऑडियंस को कंडीशन किया हुआ है कि 100 लोग उड़ने चाहिए या, और उसका भी अलग मजा है. आई लव सिंघम, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट लेकिन मुझे देखने में आनंद ये ज्यादा आता है. और मुझे जो कुछ लोगों ने फोकस ग्रुप स्क्रीनिंग्स में फिल्म देखी है, उन्होंने बोला है चोट लगती है ये फिल्म देखते समय, विच इज अ गुड थिंग, विच इज वॉट वी वर गोइंग फॉर. क्योंकि जब इसमें हड्डियां टूटेंगी या पंच होगा तो आपको फील होगा बिकॉज इट्स सो रियल. क्योंकि कट नहीं हो रहा, वन शॉट्स चल रहे हैं, तो असली लड़ाई है. तो वो बहुत ही इंटेंशनल था मेरे हिसाब से. रिस्क नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये फॉर्म एक्शन का ऑडियंस तक पहुंचे और इसकी ऑडियंस बढ़े. विश यू सक्सेस. थैंक यू सर, नीड ऑल योर ब्लेसिंग्स. थैंक यू. आई थिंक दिस बिट इज वेरी कूल. या, बिकॉज़ वी आर सो यूज्ड टू सीइंग एक्शन विद सो मेनी कट्स दैट आपको इंपैक्टफुल बहुत लगता है बट यू डोंट फील एनीथिंग एज सच. आई लव व्हाट ही सेड, यू विल फील द एक्शन इन दिस, इट विल नॉट लीव यू इन ऑ बट यू विल फील इट. कोलकाता में रिद्धीज विटनेस, शी वाज देयर लास्ट सीन क्लाइमैक्स में, लोग लिटरली खड़े होकर ताली मारे. सो वो ऑनेस भी आई एंड में, लेकिन एंड में हर सीन में नहीं आया. अंशुमान, वन सेकंड, जस्ट एडिंग वन, लगता है कि आपका शाहरुख खान साहब के साथ कनेक्शन कुछ ज्यादा ही गहरा है. बैरी जॉन के साथ आपने ट्रेनिंग की है, वो शाहरुख खान साहब के भी गुरु रहे. आप उनके सीए कंफाइट प्रशांत सर के साथ
आपने ट्रेनिंग ली है वो भी शाहरुख खान के साथ एंड यू हैव कॉन्स्टेंटली इवन ड्यूरिंग दिस ऑन दिस पोडियम कॉन्स्टेंटली हैव बीन एक्सप्रेसिंग योर लव फॉर हिम फॉर पठान कहीं ना एंड अगेन ही वॉज ऑल्सो in the beginning a pretty thin guy when he came but he still did action movies like Karan Arjun and all so is this conscience you are such a fan that you're kind of modeling yourself for Shah Rukh Khan I wish I was cast in fan as the other role I would have done a very good job as well but I love that film I yaar kya hota hai na when you grow up I think our whole generation and I mean this I am a huge fan of Aamir Khan also I won't lie Victor knows it I love his process whenever I talk to him I love his focus towards filmmaking because he goes all out. मुझे क्योंकि शायद मैं भी थिएटर से हूँ और मुझे किसने सोनी राजदान आलिया भट्ट की मम्मी भट्ट साहब की बीबी उन्होंने कहा था तुम पाइसियंस ऐसे ही होते हो सो मे बी इट्स अ पाइसियन ट्रेट मैं 15 मार्च को पैदा हुआ हूँ मुझे नहीं पता कि मैंने कॉन्शियसली किया है या सबकॉन्शियसली किया है या Like Victor thinks there are shots that I give and he says ki cut the Aamir out of it. So I'm like, nahi, but I didn't do it. He said, nahi, lag raha hai thoda sa. Aur wo kya hota hai na? Kya hota hai ki we've grown up watching their movies. Yeah. We love them. And Delhi ka hoon to shayad bhasha lingo waisi hai. Convent pe padha bada hoon to Bhagwan ki kripa se angrezi saaf hai. Aur thoda sa bitti hoon. To shayad Great. Hi. Here. Kidhar. Let's give a shout out to the guys who are behind. Like they have been really appreciating everyone. Thank you for coming, guys. Woo! So hi. This Abhishek from Radio City. यहाँ पर हूँ. आपके right में नहीं दिखूँगा. नहीं दिखोगे आप. नहीं मिल जाओगे आप. बहुत बता रहा हूँ. So first of all, great trailer. बहुत अच्छे से cut किया है. Sharp and very crisp. So सबसे पहले अंशुमन मुझे ये बताइए कि you are also a pet person ना? Yes, I have two adopted indies. Great. So कैसे घर पे शादी के बाद दोनों को बीवी को और पेट को दोनों को प्यार देना मैनेज करते हो आप? Sierra is asking how do you manage to give love to your two dogs and wife? How do you distribute it? Sir, मैं ना मल्टीप्लीकेशन में बिलीव करता हूँ तो दो लोगों से प्यार मिल रहा है ना यू गेट व्हाट आई एम सेइंग सो देयर इज मोर टू लव आई एम ऑलवेज ऑल फॉर दैट यू कीप इट